नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एडेनियम के पौधे को रिपॉट कैसे करना है, उसके लिए सॉयल मिक्स कैसे बनाना है, क्या क्या उसके सॉयल मिक्स में हमें मिक्स करना है और कैसे इसकी केयर करनी है रिपॉटिंग के टाइम पर, ताकि ये आने वाले एक दो महीने में हमें अच्छे फ्लावरिंग दे और पौधा काफ़ी हरा भरा हो। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एडेनियम की प्लांटिंग रिपॉटिंग। दोस्तों, इससे पहले ज़रूरी काम जो है वो ये है इसकी प्रूनिंग करना, क्योंकि अभी डोरमेंसी से ये पौधा निकल रहा है, रेस्ट पीरियड से बाहर आ रहा है। आप देख रहे हैं इसके पत्ते कैसे ड्राई हो गए हैं, गिर रहे हैं, तो हमें इसकी करनी है प्रूनिंग सबसे पहले। और प्रूनिंग करते समय दोस्तों ये ख्याल रखना है कि आप पौधे को अच्छी शेप दें। प्रूनिंग करने के लिए आपको ये कटर लीजिए, जिसे पहले स्टरलाइज कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि अगर स्टरलाइज नहीं होता है प्लांट आपका तो फंगस लगने के बहुत ज़्यादा चांसेज होते हैं। तो आप ये देखिए, मैं जैसे दिखाऊँ, ये जो ब्रांचेज हैं इन्हें मैंने यहाँ से ये प्रून कर दिया। जो भी ब्रांचेज हैं आपके, इन्हें थोड़ी हार्ड प्रूनिंग दीजिए। और ये देखिए, ये लास्ट ईयर मैंने जो प्रूनिंग की थी सितंबर में, उससे नई ब्रांच निकली और इसमें फूल भी आ गए छोटे छोटे ब्रांचेज में ही। तो मैंने इन्हें फिर से हल्की प्रूनिंग, जो नई ब्रांचेज थी उन्हें कर देनी है, और जितनी भी नई ब्रांचेज हैं मेरी उनमें मैं हल्की प्रूनिंग ही करूँगा और इनकी सारी पत्तियों को मैं हटा दूँगा। देखिए दोस्तों, तो ये पौधा जो है, ये देखिए ये कमज़ोर है, तो इनको मैं थोड़ी हार्ड प्रून कर दूंगा यहाँ से नीचे से, ताकि इनमें से जो नई ब्रांचेज हैं और जो नीचे से काफ़ी नीचे से निकल रही हैं शाखाएं, इन्हें मैं पूरी तरह से प्रून कर दूंगा। और आप ये देखिए, जो नीचे इस तरह से निकल रही हैं तो इनका कोई मतलब नहीं है, ये हमारे कॉडेक्स को बेकार, देखने में बेकार बनाती हैं, तो इसे पूरी तरह से हटा दीजिए। ये नीचे की हो गई, ये देखिए आप, इन्हें पूरी तरह से हटा दीजिए, जिससे कॉडेक्स हमारा देखने में सुंदर लगे। तो कॉडेक्स को सुंदर बनाने के लिए नीचे वाली ब्रांचेज जो होती हैं उनसे फ्लावर्स भी नहीं आते हैं, तो उन्हें रखने का कोई मतलब नहीं होता है। तो इस प्रकार हमने इनकी प्रूनिंग कर दी है। अब दोस्तों, जो इसमें सबसे खास जरूरी चीज़ होती है प्रूनिंग करने के बाद, हमें इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इस पर फंगस बहुत तेज़ लगता है। तो ये देखिए, मैंने फंगिसाइड पाउडर का लेप बनाया हुआ है, ये मेरा ट्राइकोडर्मा का लेप है, इसे हम जो भी ब्रांचेज हैं जो हमने प्रून की है इसे सील कर देंगे। अगर आप फंगिसाइड पाउडर से नहीं कर पाते हैं, नहीं है आपके पास अवेलेबल, तो आप पिघली हुई मोम का यूज कर सकते हैं या हल्दी पाउडर का यूज कर सकते हैं, किसी भी, ये जिनकी एंटी फंगल हो उससे आप इन पे लेप एक चढ़ा दीजिए, जिससे कि यहाँ से आपके पौधे खराब ना हो। जितनी भी कट आपने लगाई हैं, ये सभी कट पे आपको इसका लेप लगाना है, चाहे वो कट साइड से हो, कहीं से भी हो, क्योंकि किसी भी साइड से, एडेनियम के पौधे बहुत ही नाजुक होते हैं, इनमें फंगस बहुत तेज अटैक करता है, तो आपको इस तरह से नहीं छोड़ना है इसमें कि फंगस का अटैक हो। अगर एक बार फंगस का अटैक हो गया आपके पौधे में, तो आपका पौधा गलना शुरू कर देता है वहीं से। तो इस चीज़ से बचाने के लिए जितने भी कट्स हमने लगाए हैं सभी जगहों पे हमें इसका फंगिसाइड पाउडर का लेप लगाना जरूरी होता है। लेप थोड़ा गाढ़ा लगाएं कि वहां पे वो सूख के उसे प्रिवेंट कर सके। देखिए, हमने जितनी भी कट्स की थी सभी पे हमने लेप लगा दिया। दोस्तों, ये मेरा पुराना पॉट है जिसमें कि मेरा पौधा लगा हुआ है, अब इसे हम इसमें से निकाल लेंगे। ये प्लास्टिक पॉट है, कहीं से टूट भी गया है, तो इसे हम बड़े ही आराम से हल्के हाथों से रोकते हुए निकाल लेंगे इसमें से। क्योंकि एडेनियम का पौधा दोस्तों ये अपने अंदर पानी स्टोर करके रखता है, तो ये प्रूनिंग और रीपॉटिंग एक साथ सह लेता है, काफ़ी आसान होता है इसके लिए एक ही साथ ये दोनों काम सह पाना।
तो इसलिए हम इस पौधे में एक साथ ये दोनों चीज़ें कर सकते हैं। ये देखिए ये पूरा मिट्टी सहित निकल गया है पॉट में से। अब इसे हल्के हाथों से हम इसमें से निकाल लेंगे, मिट्टी इसकी अलग कर लेंगे। ध्यान रहे कि जो आपकी मेन रूट्स होती हैं वो टूटे नहीं। ये देखिए दोस्तों, इस समय जो सर्दी के पीरियड सर्दी में से ये पौधा निकलता है तो आपको देखने में ऐसा लगेगा कि पौधा पूरी तरह से ड्राई हो गया है, ख़राब हो गया है, पर ऐसा नहीं है। ये अपनी डॉर्मेंसी में होता है तो इसकी सारी ग्रोथ रुकी होती है और अब जो है ये नई सीजन में जा रहा है, रेस्ट पीरियड से बाहर निकलेगा तो इसमें ग्रोथ भी आएगी और बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी इस पौधे में आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए दोस्तों, पूरा पौधा हमारा, इसकी रूट्स देखिए कितनी अच्छी निकल के आ रही हैं। अब इसको हम दो दिन के लिए ऐसे ही, इसको अभी हम ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे। इस पौधे को हमने मिट्टी से बाहर कर दिया है और अब इसको जैसे आप देख रहे हैं इसी तरह से हम इस पौधे को दो दिन के लिए छोड़ देंगे। दो दिन बाद जब इसकी जो ये रूट्स हैं ये थोड़ी नॉर्मल हो जाएंगी, अभी इनमें काफ़ी ढेर सारा इन्होंने वाटर स्टोर कर रखा है, तो दो दिन के लिए हम इनको अच्छे से सूखने देंगे। सूखने के बाद फिर मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसकी सॉयल मिक्स कैसे तैयार करें और कैसे इसे दोबारा से हम गमले में रिपॉट करें। तो इसको दोस्तों हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, मिलते हैं दो दिन के बाद। अब दो दिन बाद दोस्तों, दो दिन तक धूप में सूखने के बाद ये हमारा एडेनियम का पौधा पूरी तरह से तैयार है रिपॉटिंग के लिए। आज हम इसकी रिपॉटिंग करेंगे, तो आप मैं दिखाता हूँ कि इसकी रिपॉटिंग कैसे करनी। उससे पहले आइए इसकी सॉयल मिक्स तैयार कर लेते हैं कि किस सॉयल मिक्स में हमें ये पौधे को रिपॉट करना है। एडेनियम के लिए सॉयल मिक्स जो हम बनाएंगे उसमें हम लेंगे 30% नॉर्मल गार्डन सॉयल, 40% हम लेंगे जो हमारे पास लाल सैंड होती है बजरी, जिसमें कि आपको मैं दिखाऊं ये जो इतने बड़े बड़े टुकड़े आते हैं, देखिए ये ग्रेनुल्स में होते हैं, इनमें लाल वाली जो सैंड होती है जिसको मोरंग बोलते हैं, तो इसमें जो बड़े टुकड़े बड़े दानों वाले मोरंग होगी आप वही लीजिएगा। इससे क्या होता है कि ये मिट्टी को जो है काफ़ी ज़्यादा एरी बनाते हैं, तो इसको हम लेंगे 40% इस मिट्टी में। ये जो बहुत बड़े बड़े टुकड़े हैं इनको निकाल देंगे हम, तो ध्यान रहे कि बहुत बड़े मतलब पत्थर के टुकड़े नहीं होने चाहिए, जो छोटे छोटे टुकड़े हैं तो उनको इनमें रहने देंगे। ये आपका ड्रेनेज होल ब्लॉक नहीं करता है, जो नॉर्मल रिवर सैंड होती है वो बहुत बारीक होती है तो उससे ड्रेनेज होल ब्लॉक हो जाते हैं, इसलिए हम इसको यूज करेंगे। इससे पानी बहुत अच्छे से छन के निकल जाता है। एडेनियम के जो पौधे होते हैं उनमें पानी की जो मात्रा अधिक हो जाएगी तो उनके रूट्स डैमेज होने लग जाते हैं, वो पौधा नीचे से गलने लग जाता है, तो इस बात का हमें पूरा ख्याल रखना है कि उसमें पानी ज़्यादा ना हो। तो मिट्टी जो उसकी होगी उसमें पानी रुकनी नहीं चाहिए, तो इस प्रकार हमने ले लिया है 40% लाल बजरी देख पा रहे हैं। इसके बाद हम लेंगे इसमें काउडंग कंपोस्ट 20%, और फिर हम लेंगे ये जो जले हुए कोयले का अवशेष बचा होता है हम उसको यूज करेंगे 10% में, और इसी 10% में हम यूज करेंगे फंगिसाइड पाउडर जो कि 1 से 2 चम्मच ही, 1 चम्मच ही आपको यूज करना है इसमें। देखिए ये ट्राइकोडर्मा है जो मैंने डिब्बे में बंद करके रखा हुआ है, तो हम एक चुटकी ट्राइकोडर्मा को इसमें मिला लेना है जिससे कि पौधे में कोई फंगस ना हो पाए, और इन सबको हमें अच्छे से मिला लेना है। जो टुकड़े ज़्यादा बड़े हों ये कोयले के, जले हुए कोयले के अवशेष, उन्हें तोड़ के आप छोटे कर लें, बारीक कर लें।
और इन सबको अच्छे से मिला लीजिए। दोस्तों कोयला जो होता है वो कार्बन का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है, जिससे कि हमारी पौधे की रूट्स बहुत अच्छे से डेवलप होती हैं। तो इस प्रकार हमने ये मिट्टी तैयार कर ली है, अब इसे हम पॉटिंग मिक्स उसमें गमले में भरेंगे और पौधे को प्लांट करेंगे। तो दोस्तों मेरी हमारी ये सॉयल मिक्स रेडी हो गई है, अब हम इसको भरकर गमले में पौधे को ट्रांसप्लांट करेंगे। दोस्तों एडेनियम के लिए हमें बहुत बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होती है, ये देखिए मेरा पॉट है, जो एडेनियम के लिए ऐसे ही पॉट्स की आवश्यकता होती है। इसकी चौड़ाई करीब हम 7 से 8 इंच है और इसकी जो गहराई है ये 5 इंच की है, तो इसी में हम इस पौधे को लगाएंगे। तो दोस्तों जो ये होल है ड्रेनेज होल, इसे आप देखिए बहुत बड़ा है, काफ़ी अच्छी ड्रेनेज इसमें होगी। तो आप ड्रेनेज होल को किसी ठीकरे से ब्लॉक कर देंगे और इसमें हम एक लेयर मिट्टी की हल्की भर लेंगे। जो मिट्टी हमने तैयार की है, मिट्टी ध्यान रखें, एडेनियम की मिट्टी जो तैयार करते हैं सॉयल मिक्स, वो काफ़ी अच्छी ड्रेनेज इसमें होनी चाहिए, पानी कहीं भी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर पानी रुकने लगा तो आपका एडेनियम का जो पौधा है वो नीचे से गलना शुरू कर देगा। तो दोस्तों हमने एक लेयर मिट्टी की भर ली है इसमें। एडेनियम को आप चाहें तो सिर्फ सैंड में भी हल्की कंपोस्टिंग के साथ उगा सकते हैं, चला सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा पौधा है, इसको जो हम हर बार रिपोर्टिंग के बाद इसकी जो ऊंचाई थोड़ी बढ़ा लेते हैं। तो ये हमारा पौधा है, इसको हमने सेट कर दिया। सेट करने के बाद अब हम इसमें चारों तरफ से मिट्टी भरेंगे। ये दोस्तों मिट्टी भर गई है, इसे हमें इस प्रकार हल्के हाथों से प्रेस कर लेना है, मिट्टी को दबा देना है जड़ों के चारों तरफ से, जिससे कि जड़ों के भीतर मिट्टी आराम से बैठ जाए। जो भी हमने सॉइल मिक्स इसका तैयार किया हुआ है, ये देखिए ये हमारा एडेनियम का पॉट अब पूरी तरह से रेडी है। दोस्तों एडेनियम के पॉट में एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, जो मैंने इसमें देखी, आप सॉइल मिक्स भरा है तो गमले की एकदम टॉप सतह तक आधे सेंटीमीटर की गैप से छोड़ा है, बाकी पूरी मिट्टी से हमें इसे भर दिया है। इसके पीछे जो कारण होता है दोस्तों, कि जब भी पानी हम डालते हैं तो ज़्यादा एक्सेस वाटर जो होता है इसमें, ये ऊपर से निकल जाता है, बारिश का पानी हो या फिर कोई सा भी पानी हो, इसमें रुकता नहीं है कि वो पानी अंदर शेष ग्रहण करे, इसलिए हम इसमें ज़्यादा स्पेस नहीं छोड़ते हैं। अब दोस्तों ये पूरी तरह से हमारा पौधा तैयार है रिपोर्ट करने के बाद, इसमें हमें अभी वाटरिंग नहीं करनी है 2 से 3 दिनों तक। 2 दिन बाद 3 दिन बाद आप इसमें वाटरिंग कीजिए और इसको शेडेड प्लेस में अभी रखिए। 1 हफ्ते बाद आप इसको फुल सनलाइट में रखिए और नॉर्मल वाटरिंग कीजिए, हफ्ते में 1 से 2 बार, और आपका पौधा बहुत ही अच्छा ग्रोथ करेगा और आप इसका रिजल्ट मैं आपको दिखाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप पौधा लगाते हैं, कोई प्रॉब्लम हो, कोई आपको एडवाइज हो, तो आप इस वीडियो में कमेंट के माध्यम से मेरे साथ साझा कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, तो वीडियो को साझा करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।